देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लांट्स के शौकीन हैं तो सबसे पहले ये प्लांट लगाइए जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो इसका नाम है जेट प्लांट। जेट प्लांट की आप एक छोटी से छोटी, यानी कि मैं बताती हूँ, एक इतनी छोटी अगर आप कटिंग भी मिट्टी में लगा दें तो इसमें रूट्स निकल आती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इस पर फ्लावर नहीं आता, लेकिन इसकी लीव्स इतनी सुंदर होती हैं कि इसको लगाने का हर किसी का मन करता है। इसको आप किसी भी शेप में दे सकते हो, मोर की में दे सकते हो, आप इसको ओम की शेप में दे सकते हो, किसी भी शेप में दे सकते हो। इसकी टहनी देखिए कितनी हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और देखने में बहुत सुंदर होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी, देखिए 10 बजी है, इसको हम पटोलिका भी कहते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर फूल आता है, गुलाब के माफिक इस पर फूल आता है। हर कोई इस प्लांट्स को लगाना चाहता है क्योंकि छोटी से छोटी कटिंग से ये प्लांट लग जाता है। उसके बाद आता है, देखिए ये है मेरी ग्लो की बेल, और आप एक बात देख सकते हो कि छोटी सी बोतल में, बहुत छोटी सी बोतल पड़ी थी और मैंने इसमें लगा रखी है, तो देखिए एक टहनी इस जाल पर अटकते अटकते देखिए इसमें सूख जाती है अपने टाइम पर, और फिर इसमें लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें लीव्स निकलते हैं। ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी, देखिए यह है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन बहुत आसानी से छोटी कटिंग लग सकती है। इस पर एक बहुत सुंदर सा पर्पल कलर का फूल आता है, ये एक वाइन होती है और देखिए बहुत सुंदर होती है। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, कि ये गिलहरियों से बचाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये पता नहीं मीठी होने की वजह से सबसे पहले गिलहरियों का अटैक इसी पर होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, गिलहरियों से बचाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ईंट रख दी है टहनी पर, और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको खुरपी से ढक दिया है कि ये पूरी टहनी को ख़राब नहीं करेंगे। इसके बाद आपको बताती हूँ, ये है देखिए सर्दियों का प्लांट, और सर्दियों के प्लांट इस पर बहुत सुंदर सा एक रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। इसको भी छोटी से छोटी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। छोटा फूल बेशक आता है लेकिन इसमें भर भर कर कलियाँ आती हैं। इसके बाद देखिए सबसे अच्छा और मन को मोहने वाला, मुझे सबसे बढ़िया ये प्लांट लगता है। कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और आसानी से कटिंग के द्वारा बरसात के मौसम में आप इसको लगा सकते हो। यह है बोगनविलिया। बोगनविलिया भी कई कलर में आने लगा है और बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर आने लगे हैं, तो आप इस प्लांट्स को भी आसानी से लगा सकते हो। और देखिए इसके बाद है, ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट को इसमें फूल तो नहीं आता, लेकिन जब इस पर इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट नीचे को लटकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगता है और बहुत मन मोहने वाला यह प्लांट है। आप इसको छोटे से छोटे गमले में हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत आसानी से ये चल जाता है। इसके बाद देखिए ये है स्पाइडर प्लांट, और इसको कई नामों से जाना जाता है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे से लगता है, छोटी से छोटी कटिंग, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये जो छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं आप इसको किसी भी तरह से मिट्टी में लगा दीजिए, यह प्लांट भी बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए ये है स्पाइडर प्लांट की दूसरी वेराइटी है, बहुत सुंदर येलो एंड ग्रीन कलर में, इस पर भी फूल नहीं आते, लेकिन अपने में ये बहुत सुंदर होता है और ये बहुत सुंदर, और देखिए छोटे से छोटे प्लांटर में लग सकता है। और इसके बाद देखिए ये लगाई है मैंने टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट को देखिए छोटी छोटी कटिंग तैयार करके मैंने इस तरह से पाइप में, सीमेंट के पाइप में, ये देखिए, और ये चारों तरफ अब ये फैलती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से छोटी छोटी कटिंग अपने प्लांट्स में, प्लांटर में लगाएंगी तो बहुत सुंदर लगेगा आपका बगीचा। देखिए जैसा कि मेरा बगीचा है, बहुत सुंदर, मुझे अपने आप में अपना बगीचा बहुत सुंदर लगता है। जो कोई देखता है वो पूछता है कि आप कौन सी खाद यूज़ करते हो, आप कितना टाइम देते हो, बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से, देखिए छोटी सी कटिंग मैंने जेट की भी लगा रखी है क्योंकि मौसम इतना बढ़िया चल रहा है, इन सब की कटिंग लगाना बहुत अच्छा होता है। और भी कटिंग लग सकती है, मैं आपको आगे बताऊँगी अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, और जिस किसी ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बाय फ्रेंड्स।